कॉर्पोरेट ट्रेनर इंजीनियर दिलीप सिंह पवार, वेलकम यू ऑल टू योर ग्रेटर नोएडा ब्रांच। इंजीनियर, जैसे कि आप देख पा रहे हो, सितंबर मंथ स्टार्ट हो चुका है, हमारा नया बैच भी आ चुका है। आज इस नए बैच का हम सर्वेइंग का कुछ पार्ट वो कवर करने वाले हैं। उसी सर्वेइंग के पार्ट में आज ये लोग HI मेथड को परफॉर्म कर रहे हैं, जो कि आपके फ्लाई लेवलिंग का एक पार्ट है। अब ये कैसे परफॉर्म होता है, क्या इसका बेसिक प्रिंसिपल है, वो हम इंजीनियर से जानेंगे। उससे पहले मैं आप थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ। जनरली क्या होता है कि दो टाइप की लेवलिंग हम परफॉर्म करते हैं इन आवर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। फर्स्ट वन इज़ योर फ्लाई लेवलिंग, सेकंड वन इज़ योर डिफरेंशियल लेवलिंग। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लाई एंड डिफरेंशियल? द डिफरेंस इज़ फ्लाई लेवलिंग में आपकी दो ही रीडिंग आती है, या तो बैक साइड आएगी या फिर फोर साइड, मतलब दो रीडिंग का पैर आएगा। अब फ्लाई लेवलिंग में दो रीडिंग का पैर क्यों आ रहा, उसका एक ही रीज़न होता है, जहाँ आपके हिली एरिया हो या ऐसा एरिया जहाँ बूस्टर्स ज़्यादा हो या ट्री ज़्यादा हो, जहाँ आप स्टाफ को बार बार साइट नहीं कर पा रहे हो, ऐसे केस में आप फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म करते हो। इन द अदर हैंड, इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफरेंशियल लेवलिंग, द मेन डिफरेंस इज डिफरेंशियल लेवलिंग जनरली प्लेन एरिया की होती है, एक ऐसे एरिया की जहाँ पे आपने स्टेशन को एक बार सिचुएट किया, वहाँ से आप मल्टीपल रीडिंग एक साथ देख सकते हैं। इस केस में एक अल्टरनेटिव रीडिंग है जो है आपकी इंटरमीडिएट रीडिंग, वो भी एड ऑन हो जाती है। मतलब डिफरेंशियल लेवलिंग में बात की जाए तो यहाँ थ्री टाइप की रीडिंग होगी। फर्स्ट वन इज़ योर बैक साइड, सेकेंड इज़ योर इंटरमीडिएट साइड, और लास्ट वन इज़ योर फोर साइड। तो BS का मतलब होता है आप सर्वे स्टार्ट कर रहे हो, FS का मतलब सर्वे एंड कर रहे हो, इंटरमीडिएट रीडिंग का मतलब है सर्वे आपके कंटिन्यूटी में चल रहा है। तो आइए इसी बेसिस पे इंजीनियर से जानेंगे कि फ्लाई लेवलिंग के रिगार्डिंग उन्होंने कैसे परफॉर्म किया और क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने फॉलो किया। आ जाओ अरुण साथ साथ में। तो हमारे फर्स्ट ग्रुप से जानते हैं। अब फर्स्ट ग्रुप में सबसे पहले ओमकार से पूछते हैं। ओमकार, आज आपने कौन सी लेवलिंग परफॉर्म करी है? सर, आज हमने फ्लाई लेवलिंग परफॉर्म करी है। क्या होती है फ्लाई लेवलिंग ओमकार? फ्लाई लेवलिंग सर, इसे हम वो एरल फाइंड आउट करते हैं, जिसमें जैसे कोई एंडुलेशन बहुत ज़्यादा हो, जैसे पहाड़ आ जाएँ या फिर कोई ट्रीज आ जाएँ, आपकी साइट है जो ब्लॉक हो जाए, ब्लॉक हो जाए उसमें, फिर उसके लिए यूज़ करने के लिए फ्लाई लेवलिंग यूज़ करते हैं। और फ्लाई लेवलिंग कितनी रीडिंग हो सकती है? फ्लाई लेवलिंग में जैसे एक बैक साइड होता है और एक फोर साइड होती है। बैक साइड क्यों बोला गया उसको बैक साइड? बैक साइड जो हमारी बेंचमार्क जहाँ से हमने उसमें जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो हमारी बैक साइड ली होती है, जहाँ बेंचमार्क से जो हमारी रीडिंग होती है। बेंचमार्क क्या होता है ओमकार? बेंचमार्क सर जो वो गिवन पॉइंट होता है जिसकी RL हमें गिवन होती है या फिक्स होती है जिसकी RL। तो RL कहाँ से मेजर किया गया? RL मीन सी लेवल से। और इंडिया का मीन सी लेवल क्या है? मुंबई है। और उससे पहले कौन सा था? पहले कराची में था। कौन सी ईयर के लगभग आसपास हुआ? 1947 से पहले, मतलब फ्रीडम से पहले। बहुत अच्छा। सेकेंड जानते हैं अरुण से। अरुण, FS क्या है? FS हमारा फोर साइड है। तो अरुण, FS का मीनिंग क्या है, वो FS कब ली जाती है जनरली? सर, हमारी FS ली जाती है लास्ट रीडिंग को हम FS कहते हैं, मतलब आपका सर्वे एंड हो रहा होता तब हम FS कहते हैं। ओके। BS और FS में जनरल यही डिफरेंस है कि इसके अलावा कोई डिफरेंस है? हमारा BS सर्वे स्टार्ट करता है और FS हमारा सर्वे ख़त्म करता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट इंजीनियर से जानेंगे, सतीश से। सतीश, ये पूरा प्रोसीजर एक बार वापस बता सकते हो व्यूवर्स को, आपने कैसे फ्लाई लेवलिंग को परफॉर्म किया है? हाँ सर, जैसे कि सर पहले स्टार्टिंग में हम लोग ये ट्राइपॉड सेटअप करने के बाद हम लोग एक जगह से पहले एक हम लोग मार्क लेते हैं, जैसे कि बेंचमार्क जो स्टार्टिंग है उसको लेते हैं, उसको पहले उसका पॉइंट लेने के बाद जैसे उसके नीचे हम लोग वो 100 मीटर जो मतलब आपने माना 100 मीटर लेना पड़ता है। उसके बाद सर आप वहाँ से एक और फिर दूसरा सेटअप करते हैं जो कि हमारा FS के लिए FS के लिए सेटअप करते हैं सर। वो FS सेटअप करने के बाद फिर सर जैसे उसको लेने के बाद फिर हम लोग वापस में निकालने के बाद सर दोनों को फिर दूसरा सेटअप के लिए हम लोग वहाँ से उसको छोड़ने के बाद फिर दूसरा सेटअप, फिर ट्राइपॉड चेंज करके फिर दूसरा सेटअप। बार बार जब भी आप FS ले रहे हो मतलब नया RL आप फाइंड आउट करो। हाँ, नया RL हम लोग फाइंड करते जाएंगे। लास्ट में जहाँ स्टार्टअप किए होंगे वहाँ के हम लोग आगे अगर देखते हैं, अगर वहाँ पे हम लोग की डिस्टेंस जो दोनों की स्टार्टिंग और लास्ट की दोनों अगर बराबर मिल जाती है तो हम लोग की ये सक्सेस होती है, अगर नहीं मिलती है तो फिर सक्सेस नहीं होती है। मतलब जहाँ से फर्स्ट स्टार्ट किया था एंड में भी वहीं आ रहे हैं, तो RL जो 100 मीटर आपने मारा तो वो आना चाहिए। यस सर। वो नहीं आ रहा, दैट मीन कहीं ना कहीं एरर है। ओके। विशाल, आप बता पाओगे कि सामने जो पूरा इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है ये क्या क्या है, इसके बेसिक पार्ट्स? जी, इसके दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक ट्राइपॉड होता है और एक ऑटो लेवल है। ये ऑटो लेवल आपका ट्राइपॉड है। तो विशाल, मुझे एक चीज़ बताइए कि इस पूरे ऑटो लेवल का ये पार्ट क्या है? वो ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जो जिससे हम लोग ऑब्जेक्ट को देखते हैं, और ये होता है आईपीस होता है जिसके तरफ से हम लोग आँख करके आई से डायरेक्ट देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट की तरफ से ऑब्जेक्ट दिखाई देता है। बहुत अच्छा। साहिल, आप यहाँ आओ। यस सर। साहिल, इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से क्या 90 डिग्री बैठाना पॉसिबल है? जी सर, पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? यहाँ देख सकते हैं 360 पे घूम रहा है सर। यहाँ एक बार दिखाइए तरुण।
एंगल यहाँ दिख रहा है पर राउंड। हाँ, तो मतलब इसके हेल्प से हम 90 डिग्री का एंगल भी सिचुएट कर सकते हैं। यस सर, है ना। अब इस ऑटो लेवल को अगर मुझे लेवल करना है तो कौन से स्क्रू मोस्टली काम आते हैं? सर, लेवलिंग स्क्रू। ये तीन इसके लेवलिंग स्क्रू वाला ना? यस सर। ओके सर, बहुत बढ़िया। चलिए हमारा नेक्स्ट ग्रुप की तरफ चलते हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने आज क्या परफॉर्म किया है। तो सबसे पहले जानते हैं राजदीप से। राजदीप, एक बार आप बता पाओगे कि जैसे अंश वहाँ खड़े हैं तो अंश कौन सी रीडिंग को इंडिकेट करवा रहे हैं हमें? सर, बीएस को। बीएस को क्यों? जो वहाँ हमारा बेंचमार्क लगा हुआ है सर, जब हम पहली रीडिंग लेते हैं बेंचमार्क से वो हमारी बीएस होती है। जब हम काम स्टार्ट करते हैं तो पहला हम बेंचमार्क से रीडिंग जो लेते हैं वो हमारी बीएस होती है। और ये बेंचमार्क क्यों है? वो बेंचमार्क सर हमें जो हमारा मेन सी लेवल होता है उसकी हमें हाइट बताता है, उससे सर हमारी कितनी हाइट पर है, ये जो हमारा सरफेस है। जी सर। ओके, बहुत अच्छा। जानते हैं हमारे पीयूष से। पीयूष, ये पर्टिकुलर इक्विपमेंट की हेल्प से आपने आज फ्लाई लेवलिंग तो की थी। फ्लाई लेवलिंग के अंदर आपने एचआई मेथड को परफॉर्म किया था। एचआई मेथड को परफॉर्म करने का उसका चेक लगाने का क्या फॉर्मूला है? सर इसका जो है चेक लगाने का एक ही सिंपल सा फॉर्मूला है, समीशन ऑफ एफ माइनस समीशन ऑफ बीएस। ओके, जो ये बराबर होना चाहिए फर्स्ट आरएल का माइनस लास्ट आरएल का, मतलब जितने भी बीएस आपने लिए उन सबको ऐड करके जितनी एफएस उन सबको ऐड, इनका डिफरेंस किसके बराबर होना चाहिए? फर्स्ट आरएल लास्ट आरएल के डिफरेंस के बराबर। यस सर। मतलब हमें तो मैग्नीट्यूड से मतलब है, चाहे प्लस आए माइनस। यस सर। सौरभ से जानते हैं। सौरभ, नेक्स्ट प्रोसेस के बेसिस पे आप बताओ, जैसे सपोज अभी अंश वहाँ खड़े हैं जी, स्टाफ को लेकर उन्होंने बैक साइड ली जी, अब फ्लाई लेवलिंग का बेसिक मीनिंग क्या है? फ्लाई लेवलिंग का बेसिक मीनिंग ये है कि हम अब अगर हिली एरिया में जाएं या फिर कोई ऐसे एरिया में जाएं जहाँ पे हम साइड को विजिबल नहीं कर पाते, अंडुलेशन हो सकता है, तो हम स्टेशन को चेंज करके या फिर स्टाफ की मदद से हम अलग अलग लेवल हम सेम कर सकते हैं, हम आरएल ट्रांसफर कर सकते हैं उसके हेल्प से। मतलब सौरभ, जब भी हम फ्लाई लेवलिंग करेंगे तो कौन सी दो मेजर रीडिंग आएगी हमेशा? हमेशा जैसे बीएस आएगा और एफएस आएगा। बीएस जी। थैंक यू। चलिए अब अमन से जानते हैं। आप एक बार बता सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से जो आपने अभी प्रोसेस किया था उसमें आपने एचआई मेथड को फॉर्मुलेट किया था। एचआई की फुल फॉर्म क्या है? हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेसिस पे बताओ कि एचआई कैसे कैलकुलेट होता है? जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है वो बीएस जो कि हमारा है बैक साइड प्लस जो आपका बेंचमार्क, जो हम लोग का बेंचमार्क आता है। तो अमन, ये जो एचआई मेरी आई है इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में किस लेवल तक की वो एचआई है? ये सेंटर पे होती है एकदम, जो हमारा लाइन ऑफ साइट, जो हमारा बीच वाला क्रॉस हेयर होता है वहाँ से हम लेते हैं। मतलब इसके लाइन ऑफ साइट की हाइट मेन सी लेवल से वो अच्छा लेवल से ऐसे। बहुत अच्छा। अब व्यूअर्स, हम चलते हैं हमारे लास्ट इंजीनियर अंश के पास, उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने पर्टिकुलर क्या प्रोसेस को फॉलो किया है और जिस पर्टिकुलर स्टाफ को लेके खड़े हैं वो किस पोजीशन पे लेके खड़े हैं। आइए तरुण। तो अंश, व्यूअर्स को आप बता पाएंगे आज आप क्या कर रहे हैं और ये पर्टिकुलर स्टाफ किस पोजीशन पे आप लेके खड़े हैं? ये स्टाफ हमने को पहले खोला था ये, उसके बाद में सीधा मतलब स्टेट हमने आपकी सीध में अपना लेते हैं। और ये इसी पोजीशन पे आप क्यों खड़े हैं? ये कौन सी पोजीशन है आपके लिए? ये बेंचमार्क है जो खड़े हैं हम वहाँ पर, इससे रीडिंग ली जाएगी जिससे हमारी बीएस निकलेगी। तो ये इसको बेंचमार्क क्यों बोला अंश हमने? ये पहला मेन पॉइंट है यहाँ पर। ये इसका आरएल आपको नोन है या नहीं है? बेंचमार्क का जो पॉइंट होता है वो नोन होता है, वो इसका आरएल हमें नोन होता है, आरएल उसका नोन होता है। वो आरएल हमने मीन सी लेवल से कंसिडर किया है ना जी। जी, तो ये बेंचमार्क में आपने जो भी रीडिंग ली वो आपकी बीएस हो जाती है। बहुत अच्छा। सो व्यूअर, जैसा कि आपने देखा कि इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में हम जो आपको सिखा रहे हैं या आप हमसे जो लर्न कर रहे हैं कम्प्लीटली बेस्ड अपॉन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अगर आप भी चाहते हैं कि आप इसी टाइप की ट्रेनिंग आप हमसे गेन करें और आने वाले मॉड्यूल में भी यू आर गोइंग टू सी मेनी लाइव वीडियोज़ एज वेल थ्रू आवर यूट्यूब चैनल। So if you want to get more information regarding this, you can directly call upon the number which is 9111001234 and you can connect with us and get trained. Till then, be safe, be healthy. Jai Hind, Jai Bharat.